तो स्नोफॉल होने लग पड़ी है, देखो आपको दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी। तो ये मैंने फ्लैग भी लगा दिया है, तो यहाँ से जाएंगा जाएंगे कॉमिक, कॉमिक से ऊपर से जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे फिर काजा की ओर। तो चलते हैं जल्दी से कॉमिक विलेज, हाईएस्ट हाईएस्ट विलेज है जहाँ पर बंदे रहते हैं, काफ़ी हाइट पर है और स्नोफॉल भी थोड़ी थोड़ी हो रही है। चलो थोड़ी थोड़ी होती रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तेज़ ना हो जाए बस। वहाँ पूरा मौसम ख़राब है। फिर लांगज़ा भी जाएंगे उधर से, वहाँ स्टैचू है उस पर, उसमें बस 2 मिनट फोटोज करवाएंगे, जल्दी जल्दी निकलेंगे। तो हम वर्ल्ड के डेडलीस्ट रोडों पर, ये जा रहा है कॉमिक को रास्ता, यहाँ से होगा कॉमिक 1 किलोमीटर। कॉमिक इंडिया का हाईएस्ट विलेज है, यहाँ पर सबसे ऊंचा विलेज है, मतलब जहाँ पर लोग रह रहे हैं, ऐसे बहुत हाइट पर है, बहुत आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। और रोड देख सकते हो आप, रोड कंडीशन डेंजरस रोड है, बस देखो ऐसे बाइक स्किट भी करती है काफ़ी। ओ और देखो मेरे पैर, ये देखो KTM ऐसे स्किट करती है, तो कोई बात नहीं, अगर कोई और होती पल्सर होती फिर नहीं करती। जाओ पता नहीं, तो आपने देखा भाई कैसे स्किट की, तो ध्यान से आओ, संभल कर आओ। और कोई जिसने 2-3 दिन पहले ही बाइक सीखी हो वो जहाँ पर मत आ जाए। ये देखो ये देखो ये देखो, उतरो, ये देखो अभी बूट में दे गए, शुक्र है मैंने दूसरे बूट पहने हैं, पूरी बाइक स्लिप हो रही है, पीछे वाला टायर बहुत स्किट करता है बहुत ज़्यादा। देखो 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 देखो, ओह माय गॉड, पिलियन उतारना पड़ा नहीं तो ज़्यादा स्किट होती, और बैलेंस भी नहीं बनते ऐसे, और मेरे जूतों पर भी कीचड़ लग चुका है, तो जूते भी स्लिप कर रहे हैं। एक बार साफ़ कर लो जूते, जूते नीचे ऐसे नीचे लगाकर साफ हो बस रास्ता। ये आ गया सामने कॉमिक विलेज, इंडिया हाईएस्ट विलेज जहाँ पर लोग बसे हुए हैं। ओह माय गॉड, देख लो कैसी कैसी लोकेशंस पर लोग रह रहे हैं। स्लूटेन को भी यार, ये तो नीचे जाते नहीं होंगे, कभी हुआ महीने में एक आधी बार, नहीं तो नहीं जाते होंगे, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं नीचे जाने में। तो ये रही कॉमिक मोनास्ट्री, और ये रहा कॉमिक विलेज, पूरा पहुंच चुके हैं इंडिया हाईएस्ट विलेज में। ओह माय गॉड, यस वी मेड इट। देखो ये रहा विलेज और ये रही मोनास्ट्री। वापस यही रोड है, नहीं इधर से नहीं है, कॉमिक से भी है रास्ता, कॉमिक से यहां से, यहां तो डेमुल है, डेमुल है, हां यहां तो रोड खराब है भाई। ओके ठीक है ठीक है, चलो ठीक है चलें। अब तुम कहां से आए? पंजाब से। तो अभी तो नीचे से है, वैसे तो काजा थे वैसे पंजाब से। हां जी डायरेक्ट लेना डायरेक्ट, ठीक है थैंक यू जी। तो बस ये था कॉमिक विलेज, ये कॉमिक मोनास्ट्री, 2-3 घर है बस यहाँ, तो बस नाम होता है कि यहाँ यहाँ आए हैं। तो अभी वापस, तो अभी हम लांगज़ा जा रहे हैं और बर्फबारी होने लग पड़ी है और बहुत टफ रोड है यार। ये देखो चिकड़ चिकड़ यहाँ पर, KTM चलाना बहुत टफ है, टायर बहुत स्किट करता है इसका पीछे वाला, और आपको स्नोफॉल दिख रही होगी, ये देखो बर्फ़ भी है, वैसे स्नोफॉल भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, शायद कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होगा जी। बताऊँ आज का दिन सबसे टफ है मेरे लिए, बिकॉज हाथ मेरे सुन पड़ चुके हैं बिल्कुल सुन, मैं तो वेट कर रहा हूँ कब लांगज़ा पहुँचे और कब काजा जाकर मैं रूम में जाकर हाथ गर्म करूँ अपने।
पता नहीं, एक तो रोड ऐसा है ना, कोई बोर्ड ना कुछ, बस वो प्रीस्ट ने बोला ये देखो उतरो उतर को। तो अभी देखो ऐसे ऐसे रोड है, क्या करे बंदा यार, निकल गया आराम से। तो भाई साहब बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है यार, ये देखो ठंड। हाथ गोप्रो बंद कर दूंगा। तो ये सफ़ेद चादर देख रहे हो बर्फ़ की, ये अभी भी बर्फबारी हो रही है, तो ताज़ी बर्फ़ है पूरी की पूरी ताज़ी। चलो कोई बात नहीं, ऐसे राइडर बनते हैं हम पूरे, बहुत ख़तरनाक राइड रूम है। अपनी तरी मैं खुद ही कर लेता हूँ, पर सच में यार बहुत डिफिकल्ट था। हमने एक गलती कर दी, हमको ना पहले इधर आना चाहिए था हिक्किम और कॉमिक की, और बाद में जाना चाहिए था छिछम ब्रिज की ओर, बिकॉज वो वाला रोड अच्छा है। ये वाला रोड आप खुद देख लो कैसा है, रोड तो है ही नहीं। देखो पूरी बर्फबारी सामने से, बर्फ कैमरा कैप्चर कर रहा होगा शायद, अभी तेज़ हो रही है बर्फबारी, तो जल्दी जितनी जल्दी नीचे पहुंच जाए उतना बढ़िया है, नहीं तो बर्फ़ में स्टक होने से तो अच्छा है रूम में काजा में पहुंचे। और 7 बजे पेट्रोल पम्प भी बंद हो जाता है, इसमें पेट्रोल भी फिल करवाएंगे, क्योंकि सुबह से यही चला रहे हैं, एकदम से इसके 2 डंडे कम हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। फिर 200 किलोमीटर कल जाना भी है वापस, और पेट्रोल पंप तो मिलेगा नहीं रास्ते में, तो भरवाना पड़ेगा इसमें। अभी ओ ये देखो कितना बड़ा खड्डा, बाइक भी देख लो झटके ले रही है, झटके ले रही है। माय गॉड, सच्ची बता रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट था यार। चलो स्पीति अगर डिफिकल्ट ना हो तो स्पीति क्या है, स्पीति करने का मज़ा ही आ गया सच में। ये लास्ट दिन है हमारा स्पीति में, कल तो हम वापस चले जाएंगे। अगर मनाली खुला होता तो मनाली की तरफ से जाते, पर बंद है, आप खुद अंदाज़ा लगा लो। यहाँ पर बर्फबारी हो रही है तो कुंजुम पास में क्या हो रहा होगा, अगर हम वहाँ चले जाते आज कुंजुम पास तो हमसे शायद ही वापस आ होता, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है और बर्फबारी वहाँ तो होती है, ये तो काजा में हो रही है देख लो। अभी सही हो चुका है मौसम थोड़ा थोड़ा, हाथ पैर सुन रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है हाथ है या नहीं। यहाँ पर बर्फ़ देखो कम है, बर्फ़ वैसे पड़ रही है थोड़ी थोड़ी। तो फाइनली हम लांगज़ा पहुँच चुके हैं, वहाँ बुद्धा की काफ़ी बड़ी मूर्ति है, वहाँ लेकर चलते हैं आपको। और स्नोफॉल यहाँ भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, यहाँ से तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी पहुँच जाएंगे। किधर को जाना है, तो एक ये वाला इधर चलते हैं, वो रही बुद्धा की मूर्ति आपको दिख रही होगी बड़ी सी, बस उसी के लिए आए हैं हम लांगज़ा। मौसम चेंज हो रहा है पहाड़ों में, मुझे नहीं लगता जुलाई से पहले खुलेगा मनाली वाला रास्ता, बिकॉज यार अप्रैल आज है 17 तारीख है, और देख लो अभी भी बर्फबारी हो रही है यहाँ पर सामने देखो। ओ माय गॉड, और हवा के साथ साथ बर्फबारी भी, वो आपको पास जाकर अच्छे से दिखाते हैं। तो फाइनली पहुँच चुके हैं, ये लगा दी हमने बाइक, और हाथों की हालत देख लो, ये देखो, और ये रही बुद्धा जी की मूर्ति। एल्टीट्यूड देख लो 14,300 फीट पर है, काफ़ी हाइट पर है, अभी काफ़ी नीचे जाना है हमें, बस 2-4 फोटोज़ करवा के जल्दी निकलते हैं, वो उस टाइम काफ़ी हो चुका है, 6 बज चुके हैं। तो ये लास्ट व्यू पॉइंट था हमारा स्पीति का, ये बुद्धा जी का स्टैचू है 35 फीट का। तो अभी चलते हैं काजा, फिर कल को तो हमारी वापसी है, तो ये वाला व्यू को करते हैं बाय बाय, और ये रही बाइक, और
भाई के साथ साथ देखो। ओह माय गॉड, चलते हैं जल्दी जल्दी। ओके भाई, तो सामने बर्फ वाले पहाड़। ये बर्फ वाले पहाड़ ना दूर से ही अच्छे लगते हैं देखने में। हमारी अभी जब हम हिक्किम थे ऊपर लांगजा की ओर आ रहे थे तो हमारी फट चुकी थी, बिकॉज बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। आपको कोई आइडिया नहीं है, अगर बर्फबारी तेज हो जाती ना तो हम ऊपर ही रह जाते, बिकॉज यार बाइक आपने देखी कितनी ज़्यादा स्किड करी है। वैसे ठंड जितनी मर्जी हो, पर जब आप बाइक चला रहे हो तो स्नोफॉल ना हो, बारिश हो जाए। बारिश में भी अभी बंदा चला लेता है, कोई बात नहीं। ये देखो बर्फ वाले पहाड़ पूरे सामने थे हमारे, अभी देखो कितने बड़े बड़े लग रहे हैं। हम 25 किलोमीटर हाइट पर गए और मेरे GoPro की बैटरी तीनों डेड हो गई है। पता नहीं कैसे डेड हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी 84 बैटरी थी जब मैं हिक्किम के पास था, वहाँ से मैंने 2-3 मिनट के ही छोड़ लिए गए और बाद में डेड हो गई। पता नहीं एल्टीट्यूड का शायद फ़र्क हो, मुझे पक्का नहीं पता। तो अगर आपको किसी को पता हो तो बता सकते हो। तो अभी चलते हैं काजा, जहाँ से होगा 2 किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर के आसपास होगा। तो चलते हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट पेट्रोल पंप पर फिर पेट्रोल फुल करवाने, बिकॉज पल्सर भी करवा ली थी कल, वो तो चली नहीं, यही चली है। ये फुल करवा लेंगे और सुबह निकल जाएंगे जहाँ से। पता नहीं बंद ही हो गया शायद, है बंद है, मीटर चल रहा है अभी, वो आएंगे तो करवाते हैं फुल। वी आर वन। तो अभी पेट्रोल पंप पर ही हैं हम, काफ़ी बड़ी लाइन लग चुकी है। पीछे 2-3 गाड़ियाँ आ गई हैं, बिकॉज इससे आगे पेट्रोल पंप नहीं है, काजा में ही है और पीछे भी नहीं है। बाकी ये पेट्रोल पंप की टाइमिंग 9 बजे से लेकर 7 बजे तक का, अभी 7 बज चुके हैं, बंद बस बंद है। इसके बाद पेट्रोल नहीं मिलेगा आपको, वो सुबह 9 बजे खुलेगा। कभी कभी जब जहाँ लाइट चली जाती है तो ये पेट्रोल नहीं डालते, जब लाइट आती है तभी डालते हैं। तो जो भी आ रहा है 9 से 7 के बीच में आओ, 7:30 बजे ये बंद मिलेगा। 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, पर ज़्यादा लेट ना करना, नहीं तो पेट्रोल नहीं मिलेगा आपको। वो रही पीछे बाइक। तो अभी रूम में आ चुके हैं, ये पीछे गंद वगैरह ऐसे ही है, कल निकलना है हमें। और अभी हम जा रहे हैं काजा की थोड़ी बहुत सिटी एक्सप्लोर कर दूँ आपको। मार्केट सिटी तो चलो है नहीं, गांव है, टाउन सा है। तो अभी सांस चढ़ रही है मुझे थोड़ी बहुत, आपको यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर कर दूँ। और KTM की चाबी उठा ली है, एक हेलमेट लेके चलूँ, हेलमेट रहने देता हूँ। मार्केट थोड़ी बहुत आपको दिखा दूँ, बिकॉज ये 8 बजे बंद हो जाती है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी, फिर आकर वीडियो को एंड करता हूँ मैं। तो चले, ये रही कुछ काजा की मार्केट, वहाँ बंद होगी, आधी से ज़्यादा शॉप्स बंद होगी, बिकॉज 7:30 हो चुके हैं। ये जल्दी कर देते हैं बंद, कभी कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कल हम 8 बजे है तब खुली थी, पर अभी बंद है। देखो इधर को कुछ नहीं है, सामने हिमालयन कैफ़े है, कल गए थे, आज भी शायद वहीं जाएंगे। आज फिर हिमालयन कैफ़े डिनर करने के लिए, और कोई यहाँ पर अच्छी जगह नहीं है। तो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर अपना स्टिकर भी लगा दिया है हमने, और ये देखो कितने सारे स्टिकर्स हैं। तो चलते हैं जल्दी से, वो रहा हमारा KTM। अभी हम खाना खाकर आ चुके हैं रूम में, और सामान पैक करने वाले हैं अभी, बिकॉज कल हमें निकलना है सुबह जल्दी। तो ठंड काफ़ी है, बाकी सुबह से यहाँ जियो का नेटवर्क नहीं आ रहा, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी आज बताना आपको कैसी लगी वीडियो। पहले हम गए छिछम ब्रिज की मोनास्ट्री, तो बाद में हम गए वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया हाईएस्ट विलेज, जहाँ लोग रहते हैं। बाकी सांस चढ़ रही है फुल बहुत बोलते बोलते, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बिकॉज सामान काफ़ी पैक करने को है। ये आपको दिखा देता हूँ मैं, ऐसे देखो पूरा सामान इन दोनों बैग्स और ये किट में आएगा। तो जल्दी जल्दी सामान पैक करते हैं, और ठंड काफ़ी है। आज तो हमने स्नोफॉल भी लाइव देख ली, पहली बार देखी मैंने ज़िंदगी में। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है स्नोफॉल, पर पहली बार ज़िंदगी में डर लगा, बिकॉज काफ़ी हम हाइट पर थे और आपने रोड देखा कैसा था, टूटा फूटा। अगर स्नो तेज़ हो जाती तो हम वहीं रह जाते, स्टक हो जाते। और KTM बाइक स्लिप बहुत ज़्यादा करती है, पीछे वाला टायर आपने वो भी देख लिया होगा। तो बाकी टेक केयर, कल हम चले जाएंगे स्पीति वैली से घर, और आखिरी दिन हमारा स्पीति वैली में, काजा में। तो बाकी बाय बाय, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। बाकी लव यू ऑल, और थैंक यू, लव यू।